YouTube के लिए वीडियो क्रिएट की है और टाइटल भी लिख दिया है, थंबनेल भी क्रिएट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है, लेकिन अब प्रॉब्लम है हैशटैग कैसे यूज करें, कौन से ट्रेंडिंग हम हैशटैग लें और उन्हें हम अपनी वीडियो के अंदर यूज करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए टैग्स कैसे यूज करें, कैप्शन कैसे बेस्ट लिखें। अगर आप सबके ये डाउट्स हैं तो आज की वीडियो के अंदर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ आप ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे यूज करोगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी नीश से रिलेटेड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी पिक्चर है आपके पास, उस पिक्चर से रिलेटेड ऑटो जनरेटेड कैप्शन आप कैसे यूज करोगे, इन सारी वीडियो के सोल्यूशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने पास एक वेबसाइट ओपन कर देती हूँ। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने लिख देना है टैग वैग TAGWAG। ये जब लिख देंगे आप तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कर दूंगी। मैंने जो अपने पास ये वेबसाइट इंस्टॉल कर दी है, अब मैं यहाँ से इसे ओपन कर दूंगी टैग वैग के नाम से। जब मैंने इसे ओपन कर दिया तो देखें यहाँ पे मेरे पास नीचे, अब यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, कैप्शन का ऑप्शन है, हैशटैग का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको हैशटैग का मेथड बताती हूँ। हैशटैग वाले पोर्शन पे जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कैटेगरीज हैं, किस से रिलेटेड आपको हैशटैग रिक्वायर्ड है। किसी एक कैटेगरी पर मैं क्लिक कर देती हूँ, ट्रेवल पर मैंने क्लिक कर दिया तो देखें ट्रेवल से रिलेटेड मेरे पास डिफरेंट हैशटैग आ गए हैं कि हैशटैग ट्रेवल, हैशटैग ट्रेवलिंग, और ये वो वाले हैशटैग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। इसके अलावा नीचे ट्रेवलिंग से रिलेटेड है, वर्ल्ड से रिलेटेड नीचे डिफरेंट हैशटैग हमारे पास आ गए हैं कि आप ट्रेवल लिखो, ट्रेवलिंग लिखो, वेकेशन लिखो, ये आप डिफरेंट हैशटैग यूज कर सकते हो। ये आप यूट्यूब के लिए भी यूज कर सकते हो और इंस्टाग्राम के लिए भी आप ये सारे हैशटैग यूज कर सकते हो, अपनी पिक्चर अपलोड करके साइट पे आप ये सारे टैग यूज कर सकते हो। तो ये था हमारे पास हैशटैग से रिलेटेड। अभी हम अपने पास कैप्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे कैप्शन पे क्लिक कर देती हूँ और लेट्स पॉज एंटरटेनमेंट पे मैं क्लिक कर देती हूँ। अब जब मैंने एंटरटेनमेंट पे क्लिक कर दिया तो देखिए म्यूजिक, मूवी, वीडियो गेम्स, इनसे रिलेटेड डिफरेंट हैशटैग मेरे पास आ गए हैं कि म्यूजिक, जेनरे, सॉन्ग्स, मेलोडी, ये सारी चीजें मेरे पास एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आ गई हैं। आप यहाँ से भी डिफरेंट किस्म के हैशटैग यूज कर सकते हो। अच्छा, ये हैशटैग का पोर्शन था, अभी मैं आ जाती हूँ कैप्शन के अंदर। कैप्शन के अंदर आके मैं कोई भी एक इंटरेस्टिंग सी लाइन यहाँ पे सर्च कर दूंगी। लेट्स सपोज मैं बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड कैप्शन चाहती हूँ तो बिजनेस पे क्लिक कर दूंगी तो देखें नीचे मेरे पास डिफरेंट बिजनेस से रिलेटेड कैप्शन आ गई हैं। अब आप किसी भी पोस्ट को करके नीचे आपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ से कोई भी कैप्शन यूज कर देनी है और आपने सिंपली करना क्या है, आगे कॉपी पे क्लिक कर देना है या यहाँ पे आपके पास शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इन कैप्शन को यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप अपने पास हैशटैग यूज कर सकते हो, आप कैप्शन दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ऑटो कोई इमेज है, आप ऑटो पे क्लिक करके कोई भी एक इमेज जिससे रिलेटेड आप हैशटैग चाहते हो या कैप्शन चाहते हो वो क्लिक कर दो। अब देखें इमेज मेरे पास आ गई है और उससे रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इस इमेज से रिलेटेड किस तरह की कैप्शन है, किस तरह के हैशटैग यूज किए जाते हैं। तो ये सब था इस वीडियो के अंदर टैग वैग से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप हैशटैग फाइंड करोगे और साथ में आप फाइंड करोगे बेहतरीन कैप्शन। किसी इमेज को अपलोड करके उससे रिलेटेड भी आप कैप्शन और हैशटैग फाइंड कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।